हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी पार्ट ऑफ अनअकैडमी। और आज हम लोग बात कर रहे हैं टॉपर के साथ। और जैसा कि आपको पता है कि हर ट्यूसडे को या किसी एक दिन आपके साथ हम एक ऐसे स्टूडेंट को जोड़ते हैं जो कहीं ना कहीं अपने आप को प्रूफ कर चुके हैं, जिस तरह से आप अभी मेहनत कर रहे हो और सिलेक्शन के लिए एक जो प्यास है आपके अंदर, तो वो जो वहाँ तक पहुँच चुके हैं, वो अपनी बातों को, अपने स्ट्रेटजी को, अपने मतलब टाइम टेबल को, जो भी उनका प्रक्रिया था जो जॉब तक पहुंचने का, वो आपसे शेयर करेंगे। तो अभी हमारे साथ हैं अनुप्रिया सोनी जी, और ये बताएंगे कि कैसे इन्होंने क्या किया, इनिशिएटिव कहाँ से लिया, स्टार्ट कहाँ से किया और कैसे जॉब तक पहुंची, और सारा चीज़ एक एक करके समझाएंगे। तो सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए और चीज़ों को लेकर फिर चलते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनुप्रिया सोनी एंड आई एम फ्रॉम जयपुर। आई हैव रिसेंटली क्लियर्ड IBPS क्लर्क एग्जाम फ्रॉम राजस्थान स्टेट एंड आई एम पोस्टेड टू बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जब आप स्टार्ट किए थे तो आपने कब स्टार्ट किया, कितना समय लगा आपको, ये बताइए। मैंने 2020 में अभी स्टार्ट किया था जुलाई के अंदर, तो फर्स्ट 2 महीने तो फिर मैंने यूट्यूब पे ही सर्च किया था कि कौन कौन से एजुकेटर्स हैं, हम किससे बेटर कर सकते हैं। फिर सितंबर के अंदर मैंने अनअकैडमी ज्वाइन किया था, क्योंकि यूट्यूब पे काफ़ी एजुकेटर्स हैं जो अनअकैडमी पे हैं और काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। तो मैंने पहले यूट्यूब से ट्रायल क्लासेस ली थी, फिर मुझे समझ में आया कि हाँ वर्थ है अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेना, और फिर मैंने वहाँ पे सब्सक्रिप्शन लिया था। फिर मैंने रेगुलर क्लासेस ली जितनी भी एजुकेटर्स की, जिन जिनको मैं फॉलो कर सकती थी या जिनका मुझे समझ में आ रहा था क्लासेस में, तो मैंने उनका रेगुलर फॉलो किया, कंसिस्टेंटली फॉलो किया, क्योंकि दैट इज वॉट इम्पोर्टेंट कि अगर आप कंसिस्टेंट हो अपने क्लासेस में और मॉक्स देने में, तो दिस इज द इम्पोर्टेंट रीजन आप एग्जाम क्लियर कर सकते हो। अच्छा, मतलब डेडिकेटेडली आप फॉलो करें किसी भी एजुकेटर को। मतलब जैसे आप कह रही हैं कि 2020 में शुरू किया था आपने, है ना, मतलब लॉकडाउन में ही हम बोलेंगे, क्योंकि मार्च से लॉकडाउन लग गया था। और मतलब आपने शुरू किया तो फिर आपको दिक्कत आई होगी, लेकिन उससे पहले इन्होंने बताया कि हमने सिलेबस को जाना, चीज़ों को समझा, फिर स्टार्ट किए। तो आप थोड़ा थोड़ा ये भी बताइए कि जैसे जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी सब्जेक्ट हैं, उसको आपने कैसे क्रैक किया, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, GK, करंट अफेयर, या जो भी चीज़ें किसी भी एग्ज़ाम में आती हैं, तो पहले तो आप ये बताइए आपने कैसे क्लियर किया और बच्चे कैसे कर सकते हैं उसको लेके। मैंने अपना फोकस देखा था कि मेरा कौन सा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है और कौन सा वीक है, तो ये मुझे समझ में आया कि हाँ रीजनिंग इज माई स्ट्रॉन्ग पॉइंट, जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का होता है। ये मैंने देखा था बहुत सारे इंटरव्यूज में भी और स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस में भी कि रीजनिंग इज स्ट्रॉन्ग पॉइंट। हाँ मैथ्स थोड़ा मेरा वीक सेक्शन था, तो मैंने उस पर वर्क किया, मैंने उसमें रेगुलर क्लासेस भी ली, रेगुलर प्रैक्टिस की, ज़्यादा टाइम दिया मैथ्स को। और GK तो करंट अफेयर्स आपको डेली करना पड़ेगा, दिस इज द ओनली ऑप्शन अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है, वेदर इट इज SSC, बैंक या रेलवे या एनी अदर एग्जाम जिसमें करंट अफेयर्स का है, तो उसमें आपको फ्रॉम डे वन आपको करंट अफेयर स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो वो आप, हाँ इनिशियली मुझे थोड़ा सा ये चीज लेट समझ में आई थी कि करंट अफेयर्स आपको डे वन से स्टार्ट करनी है, लेकिन थोड़ा सा फिर मैंने कवर किया एंड में मेंस के एग्जाम से पहले, बहुत ज्यादा मतलब 4, 5, 6, 7 आज फिर मैंने करंट अफेयर्स को दिए, क्योंकि वो ज्यादा नीडेड था उस टाइम पे मेरे एग्जाम के लिए। अच्छा, जैसे मान लीजिए कि हम एक स्टूडेंट हैं और हमारा जो बैंक जब हम ज्वाइन करना चाहते हैं, तो फिर सबसे बड़ा जो ज़्यादा डर लगता है वो होता है इंग्लिश को लेके, और अगर एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट है तब तो उसको कुछ ज़्यादा ही डर लगता है। दूसरी बात, SSC की जो तैयारी होती है और बैंक की जो तैयारी होती है, दोनों का जो इंग्लिश है वो ज़मीन आसमान का अंतर है, क्योंकि SSC में ग्रामर पूछा जाता है, वोकैब सेक्शन पूछी जाती है, बैंक लैंग्वेज पूछता है, पैसेज पूछता है, रीअरेंजमेंट पूछता है, उसका जो सिलेबस है वो बिल्कुल अलग है। तो जो बच्चे बिल्कुल इंग्लिश में जीरो हैं लेकिन बैंकर बनना है उनको, उनका सपना है, वो क्या करें, वो मतलब कैसे लेके चल सकते हैं वो, और कम समय में करना कैसे उनके लिए पॉसिबल होगा, या कितना एक समय टाइम लग सकता है उनको। इंग्लिश एक ऐसा सेक्शन है जिसमें आपको बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट या बहुत ज्यादा डफर होने की नीड नहीं है, आप एवरेज हैं तब भी आप आराम से क्लियर कर सकते हैं। एंड वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो SSC हो चाहे वो बैंक हो, क्योंकि वहाँ वोकेबलरी और ग्रामर दोनों जगह आती है, तो रीडिंग इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। मतलब आप एडिटोरियल सेक्शन रीड करते हैं तो उसमें आपका बैंकिंग का पार्ट भी कवर हो जाता है जो रीडिंग सेक्शन है, और SSC का पार्ट भी कवर हो जाता है जो वोकेबलरी सेक्शन है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कंसिस्टेंटली अपनी रीडिंग रखनी है। वो एक एवरेज स्टूडेंट है जो हिंदी मीडियम से, वो ये कर सकता है कि
इजी एडिटोरियल्स ले, इजी कुछ नॉवेल्स वगैरह ले, इजी पोएम्स, मतलब जो भी इजी सेक्शन है रीड करने के लिए, बेसिक इंग्लिश है जो वो समझ सकते हैं पढ़ के, जो हम नॉर्मली कॉन्वर्जेशन में भी यूज कर सकते हैं, वो वहां से स्टार्ट करें तो धीरे 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 वो कवर अप कर लेंगे. और जो ऑलरेडी लाइक आई बैकग्राउंड टू, मतलब आई बिलोंग टू इंग्लिश मीडियम स्कूल, तो मैंने इतना प्रॉब्लम नहीं आई थी. बट हाँ, एडिटोरियल सेक्शन मैंने डेली कवर किया था. एडिटोरियल्स मैंने मिस नहीं किए थे क्योंकि दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, और एडिटोरियल में आपका वोकेबुलरी कवर हो जाता है, तो वहाँ कोई इशू नहीं. नहीं तो कहने का मतलब ये है कि मान के चलिए अगर तैयारी तरीके से किया जाए, तो आप कह रही हैं कि जुलाई या पिछले, हाँ जुलाई आपने बताया था, तो वहाँ से जो है आप लगी और इस बार का जो रिजल्ट आया उसमें आपका नाम था, तो मतलब पहले अटेम्प्ट में आपने क्रैक किया, ये कह रही हैं आप। जी तो पहले अटेम्प्ट में जब क्रैक कोई स्टूडेंट करता है तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल आप देख रहे हैं जैसे कि ये बता रही हैं चीज़ों को लेके, और सबसे पहले क्लियर कट होना जरूरी है। क्या कोई प्लान बी भी आपने देख रखा था कि अगर मेरा इसमें नहीं होगा तो हम ये चीज़ की तैयारी कर लेंगे, या मतलब मैं ऐसा साथ में लेके चलती हूँ, तो कुछ ऐसा था आपका? नहीं, प्लान भी ऐसा कुछ नहीं था. बिकॉज आई हैव रिसेंटली कंप्लीटेड माई एमबीए, तो वो मेरे पास हाँ एक ऑप्शन है कि मैं कॉर्पोरेट में भी जा सकती हूँ, पर मुझे कभी भी कॉर्पोरेट में जाना नहीं था. मुझे हमेशा से ही पीएसबी में जाना था. तो वहां मैंने क्लियर रखा कि वंस आई कंप्लीट माई एमबीए, तो आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर माई बैंक एग्जाम. दो मैंने बीच में प्रिपरेशन के बीच में अपने फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम्स दिए थे अक्टूबर के अंदर, तो वहाँ थोड़ा सा मुझे ब्रेक भी लगा था प्रिपरेशन के लिए. बट फिर मैंने कंसिस्टेंटली वापस अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखी थी आफ्टर दिवाली. तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि प्लान भी रखना है, क्योंकि इफ यू आर क्लियर ऑन योर गोल कि आपको बैंक में जाना है, एसएससी में जाना है, तो आपको प्रिपेयर वैसे ही करना पड़ेगा. नहीं तो बात सही है इनका, और लेकिन अगर जो भी बच्चे देख रहे हैं ये इनका, देखो वैसे इन्होंने एक चीज़ इनडायरेक्टली कह दिया कि मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल था, तो ऑप्शन हमेशा अच्छा होता है। जैसे एमबीए करके बैठी हैं मान लो इधर नहीं तो उधर, पर अगर आप मान लो सिंपल ग्रेजुएट हैं और आप बैंकर बनने का सपना देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपने आप को स्किल्ड जरूर कर लीजिए, या किसी ऐसे चीज़ों को लेके चलिए कि नहीं भाई इसमें नहीं तो उसमें। हाँ आपके जो लगभग लगभग मिलता जुलता वो चीज़ आता है उसमें फॉर्म आप भर सकते हैं मेरे हिसाब से, बाकी जो एकदम क्लियर कट है कि नहीं इसी में, तो फिर उसी में लगे रहेंगे, वो सही है। बट जैसा कि हमने एस्पिरेंट देखा भी अभी, उसमें भी एक चीज़ बताया गया है संदीप भैया के द्वारा कि उन्होंने भी यही कहा कि देर इज़ नो प्लान बी, पर लाइफ के अंदर ये चीज़ ज़रूरी है आपको। और पहला मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि लाइफ में जो एक मिल जाए वो ज्वाइन कर ले। ये एमबीए हैं मान लो, कहीं भी जाएंगे तो कॉर्पोरेट में ज़्यादा ही सैलरी मिलेगा, पर क्लर्क ज्वाइन कर रही है तो पहला चीज़ जो भी अगर ऑप्शन आए लाइफ में उसको पकड़ लेना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो कहने का मतलब ये है अगर हम लोग ये बात करें कि जीरो लेवल से कोई स्टूडेंट अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करे, तो 3 या 5 किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा उनको? फर्स्ट तो ये कि आपको सिलेबस क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या क्या पढ़ना है, किस किस सब्जेक्ट में, आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं और आपकी स्ट्रेंथ क्या है, ये आप पहले से ही क्लैरिफाई कर लीजिए. फिर आप अपना डेली का जो शेड्यूल है वो बनाइए, धीरे 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 आप स्टार्ट कीजिए, फिर आप अपना टाइम भी बढ़ाइए देखो एक प्रिपरेशन चीज़ मैं का. रोकना चाहूँगा यहाँ पे, शेड्यूल 3 प्रकार से बनाओ, पहले शॉर्ट बनाना, फिर मीडियम और फिर लॉन्ग। पहले ये देख लो कि हम कल जो करने वाले हैं उसको आज रात में लिख के सो जाओ और कल उसको फॉलो करके पूरा करके दिखलाओ। उसके बाद अगर ये कर लेते हो तो फिर वीक का बनाओ, और वीक का फॉलो कर लेते हो तब फिर महीने तक का पूरा बना लो। ये मेरे हिसाब से सही होना चाहिए, मतलब शॉर्ट फिर मीडियम फिर लॉन्ग, ये सही रहेगा। जी आप कंटिन्यू दिस करिए। इज द राइट स्ट्रेटेजी. तो जी मैंने भी यही फॉलो किया था, मतलब डेली तो मेरा रहता ही था, फिर एट द एंड नाइट में मैं चेक कर लेती थी. 100% कई बार नहीं भी नहीं होता था, कई होता, बार हो हाँ भी जाता था. हाँ हमेशा, क्योंकि आप हमेशा अपने एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ही बनाते हो कि इतना आप कर सकते हो, तो आप उससे ज्यादा, मैं हमेशा उससे ज्यादा ही रखती थी कि हाँ इतना मैं कर सकती हूँ तो मुझे ज्यादा रखना है, तो सो दैट आई कैन पुश माई सेल्फ कि मुझे ज्यादा ही करना है. तो ऐसे फिर मैंने कंसिस्टेंटली किया था. तो पहला आपने बताया सिलेबस क्लियर रखो, दूसरा आपने बताया कि डरना नहीं है, मतलब वीक पॉइंट और अपना स्ट्रांग पॉइंट जान के रखो, तीसरा आपने बताया ये जो हम लोगों ने शेयर किया कि भैया उसको डे टू डे शॉर्ट शेड्यूल मिडिल, हाँ ये करके चलो और उसके बाद दम लगा दो एकदम, तो सब चीज़ें हो जाएंगी इसमें। और भी अगर हम लोग कंक्लूड ऐसा करें कि सबसे पहले सिलेबस, फिर कॉन्सेप्ट ट्रिक जो भी हैं, उसके बाद आप उसका जो प्रीवियस ईयर है वो भी देख लीजिए कि भाई क्या आता है,
एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मॉक जिसको हम कहते हैं वो देख लीजिए, और जो निकाल चुके हैं उनकी बातों को भी सुन लीजिए। तो ये भी आपको, जैसे मैम अभी बता रही हैं, तो इनके बातों से आपको बहुत हेल्प मिलेगा कुल मिलाकर अगर हम देखें तो, है कि नहीं। तो आप लास्ट में हाँ 1 मिनट कुछ टिप्स दें स्टूडेंट को जो फॉलो करके वो आगे, अभी जैसे ग्रामीण बैंक का बहुत ज़बरदस्त वैकेंसी आया है जी और जिसमें इंग्लिश शायद कम होता है या नहीं होता है, तो बच्चों को उसमें जो है निकालने का एक ऑप्शन है कि नहीं। धीरे धीरे तो संख्या ऐसे ही कम हो रहा है, पर अगर बैंकर बनना ही है तो ये चांस आया हुआ है। तो कैसे क्या करें वो, जो इस बार वो अपना मतलब 2022 में वो ज्वाइन कर लें, क्या आप मतलब लास्ट में बोलना चाहेंगी लड़कों या लड़कियों सबके लिए? बैंक और SSC एग्जाम्स में जेंडर कोई मायने नहीं रखता है। पहली बात तो आप दोनों को इक्वली प्रिपेयर करना है। देखो मैं बताऊं तो तो बैंक में अगर एक लड़का एक लड़की है तो बैंक में वहां पर जो हम अगर सेलेक्ट करेंगे तो लड़कियों को ही करेंगे, क्योंकि लड़कियां जो होती हैं वो कंसिस्टेंस ज़्यादा रहती हैं मेरे हिसाब से। हमको ऐसा लगता है कि भैया वो स्विच करना थोड़ा कम, तो बैंक में जब सेलेक्शन होता है तो कहीं ना कहीं वो लोग भी ऑब्जर्व करते होंगे इस चीज़ को। तो वैसे खैर ये जेंडर, हम लोग जेंडर बायस नहीं हो रहे हैं, पर हमने सिर्फ ये बताया कि सब लोग कैसे कर, मतलब लड़कियों को और भी चीज़ों, मान लो कोई शादीशुदा है वो कैसे मैनेज करें चीज़ों को, ये मेरा तात्पर्य था कहने का। हाँ, वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से लड़कियां ज्यादा देखती हैं, क्योंकि स्विच करने में आपको रिस्क रहता है और फिर फ्यूचर पर्पज से आप रिस्क लेना नहीं चाहते, तो इसलिए प्रेफरेंस रहती है। बट बाकी ऐसा कुछ नहीं है, दोनों बिल्कुल को इक्वली प्रिपेयर करना चाहिए, इक्वली काम भी करना चाहिए बैंक में जाके। आप ऐसा नहीं है कि आप लड़की हो तो आप कम काम करोगे, आपको उस चीज की लिबर्टी नहीं मिलेगी। आई डोंट थिंक सो। तो बाकी ये है, मतलब बट ये है कि हाँ हाँ बोलिए बोलिए। मैं ये बोल रही थी कि अगर आपको बैंक में जॉब लगनी है, SSC में जॉब लगनी है, तो वो इतना टफ नहीं है। अगर आप स्ट्रैटेजी के साथ टाइम से प्रिपेयर करेंगे तो वो उसमें नहीं है कि आपको कोई 4 साल या 5 साल या 6 साल लगेंगे, वो जरूरी नहीं है। अगर आप डेडिकेटेडली फॉलो डेडिकेटेडली, और करेंगे दूसरी बात ये प्रोसेस तो होते चले जाए, मतलब ये इसके बाद जैसे लॉकडाउन में चीज़ें रुक गई हैं तो उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। हाँ लगातार होते रहेगा, तो ये कह रही हैं कि 1 साल के अंदर जॉब आप लेके पहुंच सकते हैं। अब मान लो कि अब एग्जाम भी हाँ पोस्टपोन्ड हो गया तो उसका तो कुछ नहीं है। तो बाकी कुल मिलाकर अगर देखें तो इन्होंने जो दो चार टिप्स दिया वो चीज़ अब अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो ठीक रहेगा। अन अकेडमी के थ्रू जो इनको फ़ायदा हुआ ये भी इन्होंने बता दिया कि इन्होंने पहले यूट्यूब से चीज़ों को देखा, फिर इन्होंने सोचा कि भाई अन अकेडमी भी देख लेते हैं, इन्होंने वहाँ चांस लिया, सब्सक्रिप्शन लिया, फ्री भी देखा, स्पेशल भी देखा, मॉक देखा, जितनी भी चीज़ों को ये यूटिलाइज कर सकती थी वो देखी और आज वो सेलेक्ट हैं। तो आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, ऐसे ही लाइफ में आगे बढ़ते रहें, PO बने और उसके ऊपर इस जितने थैंक भी यू सर। स्केल ऑफिसर्स होते हैं सब बनिए, और भी जो अभी आपका सपना है वो अचीव करिए। और अगर आप लोगों का कोई कमेंट होता है जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो आप ज़रूर बताइएगा, और उसका रिप्लाई जो है ये भी अपने हिसाब से कर देंगी और हम वाईफाई स्टडी के थ्रू भी कर देंगे और चीज़ों को आप तक क्लियर करेंगे। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम। मिलते हैं इसी तरह थैंक यू से सर। और अगले सप्ताह किसी नए स्टूडेंट से जिन्होंने अपना सपना पूरा किया है और ज़िंदगी में अपने मतलब गोल को टच किया है। थैंक यू सो मच।